अपने लोकसभा में कोऑर्डिनेटर हूं कि साथिया निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। हो चुके हैं जो जुलम, अब और नहीं होने देंगे। ए बहन कुमारी मायावती, तेरे पाक दामन की कसम, तेरे आंचल को कभी आग आंच नहीं आने देंगे। हमारी मानसिक मिशन 26 प्लस ने यहाँ स्टार्टिंग की थी तो 26 लोग थे। जी हाँ, पहले मानसिक मिशन का नाम था मानसिक मिशन 26 और अब उसका नाम हो गया है मानसिक मिशन 26 प्लस। प्लस का मतलब ये है कि उसमें और भी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ फिजिकली और जिस भी तरीके से मैं उनके समाज के लिए हेल्प करने के लिए उनके साथ खड़ा हो सकता हूं, मैं खड़ा होता हूं। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो टीम है जिसने मानसिक मिशन ने लोगों की मानसिकता दूर करते हुए उनका दुष्ट मानसिकता दूर करते हुए उनका पेट भरने का भी काम किया और इन्होंने तकरीबन 3 महीने तक अपने यहां से कुछ लोगों को, जितने भी लोग भूखे थे जो इनको नजर आए या इनके घरों पे राशन पहुंचाना था उनको भी इन्होंने राशन, ड्राई राशन और वैसे भी पहुंचाया। इसके लिए भी इनका बहुत बहुत साधुवाद है। मैं आपको बता दूं कि हमारे लाइवलॉड बुद्धा ने कुछ लोगों को चिन्हित किया था जिन्होंने कोविड में लॉकडाउन के चलते हुए लोगों की हेल्प की थी। तो हमने वो चीज नहीं की जो कि फेसबुक पे चलता आ रहा था कि कई संस्थाओं ने सौयों लोगों को सर्टिफिकेट दे डाले और सिर्फ इसी माध्यम के लिए दे डाले कि हमारा नाम हो जाए और जिन्होंने घर से निकले भी नहीं थे उन लोगों को भी सर्टिफिकेट मिले। तो मैं चाहूंगा कि हमारी लाइवलॉड बुद्धा जो है वो गिने चुने उन लोगों को सम्मानित करे जो कि समाज के लिए और पूरे भारत के हित के लिए काम करती है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो मानसिक मिशन के लोग हैं इन लोगों को भी हमने उसी कैटेगरी में चुना जिन्होंने भारत, दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में हेल्प पहुंचाने की कोशिश की और इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अनिल सागर जी को, कुसुम वियोगी जी को और मोतीलाल गौतम जी को। प्लीज आप तीनों मंच पे आए और इन्हें एक सर्टिफिकेट देकर। सबसे पहले इस देश में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए इस देश में राजनीति के विश्लेषक माननीय कांशीराम साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज इस मौके पे हमारी माता सावित्रीबाई फुले और इस देश में सक्रिय बहन कुमारी मायावती जी, उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लेते हुए आप सभी उपस्थित साथियों को और लाइव लॉर्ड बुद्धा की पूरी टीम को, पूज्य बंतल जी आप सभी को मेरा नमन, क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, आज बहुत खुशी होती है ये देख के कि जो महिलाएं अत्याचार से त्रस्त थी कभी बाबा साहब के उदय के बाद उन हमारी माताओं बहनों का वो उत्पीड़न रुका और आज इधर आपको वक्ताओं ने बताया, विस्तार से आपको बताया, बताने की रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है और ना मुझे इतना ज्ञान है, मैं एक तुच्छ एडवोकेट आपके बीच में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो उन माताएं बहनों जो आज इधर अच्छे से कपड़ों में परिधान में बैठी हैं, अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, बुलंद आवाज में विचार व्यक्त कर रही हैं, ये बाबा साहब की देन है और बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर इसीलिए दिया था। उन्होंने कहा था
कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज हमने देखा, आपने देखा कि इस मंच के माध्यम से हमारी बहनों ने दहाड़ने का काम किया और हम लोगों के रोंगटे खड़े करके ये प्रेरणा दी कि अगर इन बहनों के साथ भाई भी कंधे से कंधा मिला के तैयार हो जाएंगे तो इस देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। साथियों, कल को एक आंदोलन हुआ था जिसमें आपके संविधान पे कुठाराघात हुआ था, उसके बाबत एक आंदोलन हुआ था जिसको संविधान को बदलने का, संविधान में परिवर्तन करने का प्रयास, दुस्साहस इस देश की सरकार ने करने का काम प्रयास किया और हमें छेड़ा। उन्होंने जानने की कोशिश की कि अगर हम कोशिश करें क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि पूरा का पूरा दलित समाज, अंबेडकरवादी समाज, बाबा साहब को मानने वाला समाज रोड पे आ गया था और जिसके बदले उन्हें मुर्गी खानी पड़ी और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। साथियों, उसी से प्रेरणा लेके हमने अपने क्षेत्र में कुछ सम्मानित लोगों को चुना जिनके अंदर पीड़ा थी, जो कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, कुछ वर्किंग थे, उनके मन में प्रेरणा उत्पीड़न था, वो चाहते थे कि हम भी कुछ काम ऐसा करें जिससे समाज में हमें गर्व हो, समाज में उन्हें सम्मान मिले। हमने ऐसे चिन्हित लोग किए और चिन्हित करने के बाद हमने टोटल 26 लोग तैयार किए, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो इसलिए हमने उसका नाम 26 को रखा। 26 कैंडिडेट, 26 जो हमारे साथी सदस्य उसमें चिन्हित किए। और फिर हमारे सामने एक समस्या थी कि हम नाम क्या दें, इस टीम को नाम क्या दें, क्योंकि ये कोई संगठन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, ये 26 लोगों का एक समूह तैयार किया गया जो बाबा साहब की विचारधारा को जन जन में पहुंचाने का काम करे और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को जगाकर उन लोगों को पहुंचाने का काम करे जहां वो लोग जागृत नहीं है या उन तक ये प्रेरणा ये पहुंचा नहीं है ज्ञान। उसके बाद हमने साथियों, मेरे ख्याल से 5 मिनट मुश्किल से और लगेंगे, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा सुनने का काम कर ले। तो हमने एक टीम के तहत एक योजना बनाई कि नाम क्या दिया जाए, तो हमने सुझाया मानसिक वर्ड इंग्लिश का MANSIK। इसमें चिन्हित है हमारे ये महापुरुष जिन्होंने आपके लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी, यातना सही, अत्याचार सहे, लेकिन आपको एक इतिहास बना के गए, प्रेरणा दे के गए कि अगर आप इन उनके बच्चिन्ह पे चल जाएंगे तो आपका विकास हो जाएगा। साथियों, आपका उत्पीड़न रुक जाएगा। और मानसिक वर्ग में नीत है एम से महामना ज्योतिबा फुले, ऐसे अंबेडकर साहब, एन से गुरु नारायण, ऐसे साहू जी महाराज, और आई से आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती, और कैसे इस देश में राजनीति को सूत्र देने वाले, विचारधारा को परिवर्तित करने वाले, एक राजनीतिक आंदोलन लाने वाले मनोवर कांसी राम साहब का नाम निहित है। इन सबको जोड़ के मानसिक वर्ड का प्रारूप तैयार किया गया साथियों, और उसी के तहत हमने उसी दिन से आप लोगों के समक्ष, अपने क्षेत्रवासियों के समक्ष अनेकों प्रोग्राम लगाए। और जब ये कोरोना महामारी आई, मार्च के महीने में हमारे साथियों ने इंडिविजुअल सहयोग देना शुरू किया, तो हमने फिर एक मीटिंग की कि आप इंडिविजुअल सहयोग दे रहे हैं, इंडिविजुअल सहयोग न देके हम लोग अगर एक यूनिट के तौर से और एक अच्छा बड़ा काम कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो साथियों, हमारे साथियों ने उसमें सहयोग किया और आप बिलीव करेंगे कि हमने ऐसे लोगों को जिन्हें जरूरत थी, उसमें कुछ मजदूर लोग थे, कुछ चौकीदार वगैरह थे, कुछ काम वाली भाइयां थी, कुछ ऐसे किराएदार थे जिनके हस्बैंड गांव चले गए थे, वहां फंस गए, उनके बच्चे भूखे थे, और हमने अपने एरिया के थानों में, 3 थाने लगते हैं हमारे एरिया में, वहां कल्याणपुरी, गाजीपुर, अशोकनगर, हमने SHO साहब से बात करके उनसे कहा कि आपको किसी भी नीडी पर्सन का फोन आता है कि भाई उस पर राशन नहीं है तो उस नंबर पर हमें फॉरवर्ड कर दें, हम उसको राशन पहुंचा देंगे। तो साथियों, हमारी इस टीम ने, हमने
करीब 1082 पैकेट ड्राई राशन के, जिसमें 11 आइटम थे, आटा, चावल, दो तरह की दाल, आपका तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, साबुन कपड़े धोने का, साबुन नहाने का, ये कुल 11 आइटम हमने तैयार करके और उन लोगों को 1082 लोगों को ड्राई राशन देने का इस कोरोना आपदा में प्रयास किया। एक प्रोग्राम में हमारे मिलिंद जी ने भी कवरेज दिया था, हमारे सहयोग करते रहते हैं, खैर हम इनका बार बार क्या तहे दिल से धन्यवाद ऑलवेज करते रहेंगे। एक दुखदायी बात और हुई, इसी टीम के एक सदस्य थे हमारे सुनील जी, इनकम टैक्स में ऑफिसर थे, उनको इसी दौरान कोरोना हो गया और वो कोरोना से इस देश भारत को और हम सबको अकेला छोड़ के चले गए, लेकिन आज हमारे दिल में बसे हैं क्योंकि उनका प्रयास था, शुरुआत उन्होंने की थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में है, हम उनको आज भी याद करते हैं, आपके मंच के माध्यम से भी याद कर रहे हैं। और बहुत लंबी बात न करके मैं आज एक छोटा सा दो लाइन का शेर कहने के बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा, उससे पहले मैं बार बार अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं लाइव लॉर्ड बुद्धा चैनल को और इस मंच के माध्यम से उन सभी साथियों को जो इस प्रोग्राम को संजोया सवारा, और उससे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए, उन्होंने इस प्रोग्राम का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आप लोगों ने हमको इधर सुना, हमारे साथियों का मनोबल बढ़ाया, इस टीम का मनोबल बढ़ाया, पूज्य भंते जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में मैं एक दो लाइन सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूं, प्रदेश में महासचिव हूं, अपनी लोकसभा में कोऑर्डिनेटर हूं कि साथियों निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे, हो चुके हैं जो जुलम अब और नहीं होने देंगे, ए बहन कुमारी मायावती तेरे पाक दामन की कसम, तेरे आंचल को कभी आग आंच नहीं आने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।